हेलो दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नताशा कौर है और आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। यह चैनल वेटनरी ग्रेजुएट स्टूडेंट के गाइडेंस के लिए बनाया गया है। सो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो में आज हम देखेंगे कामधेनु यूनिवर्सिटी बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री ऑनलाइन एडमिशन मार्गदर्शिका। सो ये 2024-2025 की है। इस साल के वेटनरी एडमिशन में 2024-25 में हम देखेंगे कामधेनु यूनिवर्सिटी के एडमिशन का प्रोसीजर। इसके पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, यह है कामधेनु यूनिवर्सिटी ऑनलाइन एडमिशन का पहला पेज। सो अगर आप पोर्टल वेब ब्राउजर में एडमिशन देखेंगे, सो यह है आपको वेबसाइट kamdhenu university.net। यह वेब ब्राउजर में आपको एडमिशन पोर्टल चेक करना है। सो एडमिशन रिलेटेड इंफॉर्मेशन एंड अपडेट्स के लिए यहाँ आप देख सकते हैं डिप्लोमा इन एनिमल हस्बेंड्री बीटेक, बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री बीबीएससी एंड एएच। तो यह प्रोसीजर आपको इस लिंक पे मिल जाएगा। नेक्स्ट है, यह है रजिस्ट्रेशन। सो यह आपका एप्लीकेशन नंबर, यह पासवर्ड यानी आपको कैप्चा कोड है। तो यह आएगा साइन इन के बाद। तो पहले आपको अप्लाई करना, अगर आप न्यू फ्रेश एप्लीकेंट है तो आपको अप्लाई करना होगा। तो यह आएगा नेक्स्ट पेज जिसमें आपको फैकल्टी चूज करना है। उसमें आप चूज करोगे वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री। सो देखिए, आपको फैकल्टी एंड प्रोग्राम फिल करना है एप्लीकेशन फॉर्म में। नेक्स्ट पेज पे आएगा प्रोग्राम। सो फैकल्टी आपने चूज किया वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री। नेक्स्ट आप प्रोग्राम चूज करेंगे बैचलर वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री। सो यह आपको आएगा टर्म्स एंड कंडीशन। आपको टर्म्स एंड कंडीशंस केयरफुली रीड करना है। यहाँ से आप रीड करेंगे, देन आप आई अग्री पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट होगा रजिस्टर। सो अगर आप एक बार रीड करने के बाद रजिस्टर क्लिक कर देते हैं, सो मतलब आपको यूजी पीजी डिप्लोमा प्रोग्राम में लगने वाले टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्टेबल है। नेक्स्ट है गुजरात बोर्ड एप्लीकेंट्स के लिए। सो यह आपको पहले पूछा जाएगा क्या आप गुजरात बोर्ड से हैं, यस या नो। देन आपको पासिंग ईयर 2024 यह नोट करना है, गुजरात बोर्ड करंट ईयर एंड लास्ट ईयर पास आउट एप्लीकेंट्स नेम एंड मार्क डेटा को भी ऑटो फेच किया जाएगा सीट नंबर से। सो आपका सीट नंबर यहाँ मेंशन है, पासिंग ईयर मेंशन है, ये अपने आप फिल हो जाएगा। जैसे आप आपका सीट नंबर डालोगे वैसे ही आपका पासिंग ईयर ऑटोमेटिकली फिल्ड हो जाएगा। गुजरात बोर्ड 2022 एंड बिफोर वाले और अदर बोर्ड जैसे सीबीएसई, सीआईएससी, एनआईओएस, आईबी, महाराष्ट्र बोर्ड, इन्हें आपको डेटा मैनुअली फिल करना है। सो अगर आप महाराष्ट्र बोर्ड है एंड आप गुजरात में एडमिशन लेना चाहते हैं, सो आपको डेटा मैनुअली फिल करना पड़ेगा। यहाँ आप फिल करेंगे आपका फुल नेम, यहाँ आप फिल करेंगे जेंडर, देन स्टेप 3.1 एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ आप अपने पेरेंट का मोबाइल नंबर, आपकी मदर टंग, बर्थ प्लेस, ईमेल आईडी कंफर्म करना है आपको ईमेल आईडी, देन नेशनैलिटी में आपको इंडियन या एनआरआई मेंशन करना है, देन मदर्स नेम। यहाँ आप अपनी फोटो अपलोड करेंगे। ये आपकी साइज 5KB से 200KB के बीच में आपकी फोटो साइज होनी चाहिए। यहाँ आप अपना सिग्नेचर अपलोड करेंगे जो कि 5KB से 200KB के बीच में आपकी सिग्नेचर होनी चाहिए। नेक्स्ट है अदर बोर्ड एप्लीकेंट। अगर आप अदर बोर्ड से हैं जैसे कि सीबीएसई, सीआईएससी, एनआईओएस, आईबी, महाराष्ट्र स्टेट, आपको सारा डेटा मैनुअली फिल करना है। तो यहाँ आपको पूछा जाएगा आर यू फ्रॉम गुजरात बोर्ड, यहाँ आपको नो सिलेक्ट करना है, आपका पासिंग ईयर डालना है, यहाँ आपको आपका फुल नेम डालना है। देन नेक्स्ट सेम है, प्राइमरी नंबर आपका, पेरेंट्स का मोबाइल नंबर, आपकी मदर टंग जो भी आपकी मदर टंग है, देन बर्थ प्लेस, ईमेल आईडी कंफर्म आपको ईमेल आईडी करनी है, नेशनैलिटी में इंडियन, मदर्स नेम एंड वेदर गार्डियन नो या यस। सो अदर बोर्ड एप्लीकेंट्स के लिए आर यू फ्रॉम अदर बोर्ड, सो आपको नो सिलेक्ट करना है, आपको पासिंग ईयर एंड सीट नंबर मैनुअली फिल करना है। यहाँ आपकी फोटो अपलोड होगी सेम 5KB टू 200KB, यहाँ आपकी साइन अपलोड होगी 5KB टू 200KB। नेक्स्ट है एप्लीकेशन फॉर्म में आपको डोमिसाइल ऑफ गुजरात, यहाँ ईमेल आईडी एंड यह पासिंग ईयर एंड सीट नंबर चेक करना है।
यहाँ डोमिसाइल ऑफ गुजरात में आपको यस या नो डालना है एंड हॉस्टल अकोमोडेशन रिक्वायर्ड है तो आपको यहाँ सिलेक्ट करना है। यहाँ आपको पेरेंट्स इनकम एंड आधार नंबर फिल करना है। नेक्स्ट हमने यहाँ तक देखा था गार्डियन यस और नो, आपको आपके पेरेंट्स का ऑक्यूपेशन एंड पेरेंट्स की ईमेल आईडी मेंशन करनी है। यहाँ नेक्स्ट है आर यू पार्टिसिपेटेड एनी टाइप ऑफ गेम्स कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज बाय गवर्नमेंट ऑथराइज बाय गवर्नमेंट। सो अगर आपने किसी भी टाइप ऑफ गेम में भाग लिया है, अगर आपने इंटरनेशनल लेवल लिया है, नेशनल लेवल लिया है, स्टेट लेवल, आपको इसमें मेंशन करना है एंड देन आप सेव एंड प्रोसीड करेंगे। यह आपको बताया जाएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट है, यहाँ रजिस्ट्रेशन कंप्लीट सक्सेसफुल का आपको नोटिफिकेशन आएगा, यह आपका एप्लीकेशन नंबर दिया जाएगा, आपको आपकी ईमेल आईडी पे एक ईमेल भेजा जाएगा, आपके मोबाइल पे एसएमएस आएगा जहाँ आपको आपके एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड मेंशन किया जाएगा। सो इस आप ये आप पेज का स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। यहाँ आपको नेक्स्ट आएगा एडिट एप्लीकेशन, एप्लीकेशन डिटेल्स में नेक्स्ट है लॉग इन पेज। यह इस तरीके से आपको ईमेल नोटिफिकेशन आएगा और इस तरीके से आपको एसएमएस नोटिफिकेशन आएगा जिसमें आपका यूजर नेम एंड पासवर्ड दिया रहेगा और लॉगिन की लिंक दी हुई रहेगी। यह आपको ईमेल दिया हुआ है, सेम एप्लीकेशन एंड पासवर्ड दिया हुआ है, यह आपको लिंक दी हुई रहेगी। नेक्स्ट आपको आना है ऑफिशियल वेबसाइट पे, देन आप आपका एप्लीकेशन नंबर जो आपको एसएमएस एंड ईमेल से आया है, पासवर्ड, कैप्चा कोड, देन आपको करना है साइन इन। तो अगर आपको पासवर्ड चेंज करना है, पासवर्ड चेंज का भी ऑप्शन है, तो आप आपका करंट पासवर्ड डालेंगे, नेक्स्ट न्यू पासवर्ड डालेंगे एंड देन सेव करेंगे। नेक्स्ट होता है एप्लीकेशन फॉर्म एडिट। सो यहाँ आपका नेम आएगा, देन एप्लीकेशन नंबर, आपका फैकल्टी, आपका प्रोग्राम, यह आपने ऑलरेडी मेंशन किया है। देन रजिस्ट्रेशन इन्फॉर्मेशन में एप्लीकेशन स्टेटस आएगा इनकम्प्लीट और आपका पेमेंट आएगा पेंडिंग। सो वेरिफिकेशन स्टेटस भी अनवेरिफाइड है। आपका हेल्प सेंटर नेम दिया हुआ है आपको आनंद कैंपस, हेल्प सेंटर इंचार्ज का नाम, हेल्प सेंटर इंचार्ज का मोबाइल एंड ईमेल आईडी आपको दिया जाएगा। यह आपकी होगी पर्सनल डिटेल। सो आपने पर्सनल डिटेल दिया हुआ है, कुछ सेक्शन ऑलरेडी फिल्ड रहेंगे, कुछ सेक्शन आपको चेंज करते आता है यस एंड नो, एंड देन आपको फिल करने के बाद आपको पर्सनल डिटेल अपडेट करने का ऑप्शन है, देन आप सेव एंड प्रोसीड करेंगे। नेक्स्ट है क्राइटेरिया डिटेल। यहाँ आपका डेट ऑफ बर्थ डालना है, आप एलिजिबल नहीं होंगे एडमिशन अगर आप एज क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करते। सो अगर आपका यह डेट डालने से अगर आपको ऐसा आता है देन आपका एप्लीकेशन सबमिट नहीं होगा। सो आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए 31/12/1999 से 31/12/2008। तो आप 17 से 25 ईयर्स ऑफ एज होना चाहिए 31/12/2024 तक। ओके, सो लास्ट क्वालिफाइड बोर्ड आपको यहाँ मेंशन करना है, देन आपकी कैटेगरी, आपके एडमिशन क्राइटेरिया एंड हेल्प सेंटर फॉर ई चेकिंग, आपको आपका कॉलेज मेंशन करना है, देन नेक्स्ट आपको सेव एंड प्रोसीड करना है। नेक्स्ट में आता है कैटेगरी में, यहाँ आप कैटेगरी चूज करेंगे, यहाँ अगर आपने EWS चूज किया है सो आपको EWS सर्टिफिकेट का इश्यू डेट मेंशन करना है। फॉर SCBC कैटेगरी नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट आपका वैलिड पीरियड में मेंशन होना चाहिए। सो आपका नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट होना चाहिए, नॉन क्रिमिनल की इश्यू डेट मेंशन होनी चाहिए। सो यहाँ आपका ई चेकिंग के लिए आपके कॉलेजेस चूज कर सकते हैं, आनंद, जूनागढ़, नवसारी, SK नगर। यहाँ पे आप हेल्प सेंटर जो भी आपके लोकेशन से नियरेस्ट है आप हेल्प सेंटर यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ डिटेल फिल करने के बाद सेव एंड प्रोसीड करना है। नेक्स्ट आता है पोस्टल डिटेल। यहाँ आपको आपका करंट एड्रेस, कंट्री, स्टेट, सिटी, पिन कोड, लैंडलाइन नंबर, मोबाइल नंबर, यहाँ सब आपको मेंशन करना है और यहाँ अगर टिक करना है अगर आपका परमानेंट पोस्टल एड्रेस आपके करंट पोस्टल एड्रेस सेम है, देन आपका सेव एंड प्रोसीड। नेक्स्ट आपका आता है एकेडमिक डिटेल। यहाँ आपको आपका क्वालिफिकेशन ऐड करते जाना है, अभी यह कोई डेटा रिकॉर्ड नहीं होता है, जैसे जैसे आप आपका क्वालिफिकेशन ऐड करेंगे वैसे वैसे यह डेटा ऐड होते जाएगा।
तो यहाँ आपको क्वालिफिकेशन आपको एचएससी बोर्ड गुजरात सीईटी यहाँ आपको मेंशन करना है। देन नेक्स्ट आपका ऑप्शन फॉर इंग्लिश लैंग्वेज, पासिंग ईयर, ऑब्टेन मार्क्स परसेंटेज एंड आउट ऑफ मार्क्स परसेंटेज, यहाँ आपको क्वालिफिकेशन आपकी ऐड करते जाना है। ये आपका लास्ट क्वालिफाइड बोर्ड यूनिवर्सिटी GSHSEB यह सिलेक्ट करना है। देन HSC ग्रुप BAB इसमें से सिलेक्ट करना है। यहाँ आपको HSC ग्रुप सिलेक्ट करना है जिससे सीट नंबर एंड मार्क्स अपने आप आ जाएंगे। सो अगर आप गुजरात बोर्ड करंट ईयर है एंड लास्ट ईयर पास आउट है तो एप्लीकेंट का नेम एंड मार्क डेटा ऑटोमेटिकली फेच हो जाएगा अगर आप सीट नंबर डालते हैं। तो गुजरात बोर्ड 2022 एंड बिफोर अगर आपका बोर्ड है तो आपको डेटा मैनुअली फिल करना है। तो यहाँ हम देखेंगे मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो भी वैलिडेशन है मिनिमम मार्क्स। सो गुजरात बोर्ड एप्लीकेंट्स के लिए अगर आप GSHSEB सिलेक्ट करते हैं, यहाँ आपको HSC ग्रुप बी सिलेक्ट करते हैं, सो आपको इंग्लिश लैंग्वेज FL SL सिलेक्ट करना है। पासिंग ईयर आपको मेंशन करना है, सीट नंबर मेंशन करना है, यह आपका डिटेल आ जाएगा। ऑब्टेन आपके मार्क्स परसेंटेज यहाँ पे मेंशन करना है, आपके परसेंटेज आ जाएंगे, यहाँ आपने डिटेल डाला वैसे आपके परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएंगे। यहाँ आपको पासिंग मंथ डालना है मार्च, सेंटर नेम आपका टेस्ट, अगर आपने इंग्लिश सब्जेक्ट लिया था 12th में तो आपको राइट करना है, आप गुजरात सीईटी में इस साल आपने अपियर किया था आपको राइट करना है, देन आपको ऐड करना है। ऐसे ही आप आगे के ऐड करते रहेंगे। अदर बोर्ड है अगर आप अदर बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं तो आपको आपका बोर्ड मेंशन करना है, जैसे महाराष्ट्र बोर्ड निजार, कुकरमुंडा, सोनगढ़, उच्छल, तो आपको मेंशन करना है। ओके, नेक्स्ट आपको HSC ग्रुप BAB में से सिलेक्ट करना है। यहाँ आपको अदर बोर्ड के लिए गाइडलाइन है, यहाँ आपको मेंशन करना है कि आपको मार्कशीट गाइडलाइन कैसी दी है वैसा आपको मेंशन करना है, ये आपकी डिटेल्स आपको फिल करने हैं, सेम एज आपने अभी जो फिल किया था उसी तरीके से यहाँ तक फिल करना है। देखिए यहाँ है पासिंग ईयर 2022, यह आपकी सीट नंबर है। गुजरात सीईटी एग्जाम आपको करंट ईयर में ही पास करना है, तो आपको यहाँ गुजरात सीईटी का सीट नंबर डालना है, देन आप टैब की प्रेस करेंगे जिससे कि यह सिस्टम में ऑटो फेच हो जाएगा, यह आपके ग्रेड पॉइंट्स एंड आउट ऑफ मार्क्स आ जाएंगे। सो यह आपका क्वालिफिकेशन इस तरीके से ऐड हो जाएगा HSC बोर्ड एंड गुजरात सीईटी। नेक्स्ट आपको सेव एंड प्रोसीड करना है। और अगर आप SC ST एंड SC BC के एप्लीकेंट्स हैं, आपको मिनिमम 47.50 मार्क्स विदाउट ग्रेसिंग होना चाहिए एंड अदर कैटेगरी के लिए आपको 50% मार्क्स होना चाहिए विदाउट ग्रेसिंग के लिए। तो यह आपकी परसेंटेज डिटेल दी हुई है, यह आपको चेक करना है। नेक्स्ट आपको ऐड करना है, तो आप यह एडिटेबल है, क्लिकिंग बटन इज कंपलसरी टू सेव मार्क्स इन द सिस्टम, आपको सेव करते रहना है। अटैचमेंट डिटेल स्क्रीन में एप्लीकेंट को अपलोड करना है सॉफ्ट कॉपी या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, आपको चेकबॉक्स सिलेक्ट करना है रिस्पेक्टिव डॉक्यूमेंट, देन आपको चूज फाइल करना है, आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करनी है और बाद में अपलोड बटन क्लिक करना है। जो भी मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स है उन्हें अपलोड करना डिपेंड ऑन द कैटेगरी एंड टाइप ऑफ द एप्लीकेंट्स। सो यह है सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी आपको फाइल चूज करके अपलोड करनी है। तो पहला है स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, नेक्स्ट है HSC मार्कशीट, तीसरा है गुजरात CET मार्कशीट, देन है अटेम्प्ट सर्टिफिकेट और ट्रायल सर्टिफिकेट, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, डोमिसाइल, एनी अदर डॉक्यूमेंट सेकेंड ट्रायल मार्कशीट, एनी अदर डॉक्यूमेंट थर्ड ट्रायल मार्कशीट। सो यहाँ से आप आपके डॉक्यूमेंट्स चूज करेंगे देन अपलोड करेंगे, तो यहाँ आपको प्रिव्यू आ जाएगा, देन आपको सेव एंड प्रोसीड करना है चॉइस फिलिंग के लिए। रेस्ट आर मतलब कंपल्सरी आपको अपलोड करने हैं एंड सेव एंड प्रोसीड, सो आपको HSC एंड गुजरात CET कंपल्सरीली अपलोड करना है। सो जैसे अगर आपने स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट अपलोड किया तो इस तरह से प्रीव्यू आ जाएगा, आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं। ऐसे गुजरात CET मार्कशीट इस तरीके से प्रीव्यू आएगा, HSC मार्कशीट आपका इस तरीके से प्रीव्यू आएगा, ऐसे ही बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स भी आपके प्रीव्यू आ जाएंगे। अटैचमेंट डिटेल स्क्रीन में नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स टू अपलोड कंपल्सरीली डिपेंड ऑन कैटेगरी एंड टाइप ऑफ एप्लीकेंट, सो अगर आप टाइप एंड ना कैटेगरी है आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। अगर आप फिजिकली चैलेंज है आपको फिजिकल हैंडीकैप सर्टिफिकेट ऑफ सिविल सर्जन, एक्स सर्विसमैन या डिफेंस पर्सन है सो आपको एक्स आर्मी डॉक्यूमेंट और सर्टिफिकेट, अगर आप गुजरात के डोमिसाइल है, अगर आपने नॉट सिलेक्ट किया है सो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट देना है, आप पारसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो पारसी कम्युनिटी सर्टिफिकेट,
अगर आपने किसी स्पोर्ट्स गेम कॉम्पिटिशन में लिया है स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, एप्लीकेंट कैटेगरी एसईबीसी है तो नॉन क्रीमीलर सर्टिफिकेट, एसईबीसी कैटेगरी सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, एससी है तो एससी सर्टिफिकेट एंड एसटी है तो एसटी कैटेगरी सर्टिफिकेट। सो नेक्स्ट आता है चॉइस फिलिंग। सो यहाँ आप चॉइस फिल कर सकते हैं अकॉर्डिंगली आपको किस सिटी का कॉलेज आप चाहते हैं, अकॉर्डिंगली आप यहाँ चॉइस फिल कर सकते हैं। सो यहाँ चॉइस दी हुई है साबरकंता, आनंद, नवसारी, जूनागढ़, एसके नगर। आप अकॉर्डिंगली आपके हिसाब से आप इसको चॉइस फिल कर सकते हैं। यहाँ आपकी प्रेफरेंस नंबर आपको देना है। जैसे अगर आप आनंद को फर्स्ट प्रेफरेंस देना चाहते हैं तो यहाँ 1 डालिए, नवसारी को सेकंड देना चाहते हैं तो आप यहाँ 2 डालिए, अगर आप जूनागढ़ को 3 डालना चाहते हैं आप यहाँ 3 डालिए। इसी तरीके से आप आपके हिसाब से प्रेफरेंस नंबर दे सकते हैं। तो यह गवर्नमेंट ग्रीन, सेल्फ फाइनेंस ब्लू, इस तरीके से आपको दिखाया जाएगा प्रेफरेंस। तो प्रीव्यू कर लीजिए आप। प्रीव्यू बटन करने के पहले आपको एक बार एप्लीकेशन फॉर्म गो थ्रू करना है, इसके बाद आप डिक्लेरेशन रीड करेंगे। डिक्लेरेशन रीड करने के बाद आई अग्री सबमिट करेंगे, आई अग्री चूज किया एंड देन आप सबमिट करेंगे। सो इस तरीके से प्रीव्यू बटन के बाद आपकी प्रीव्यू कॉपी आएगी एप्लीकेशन फॉर्म की। एक बार आप इसकी पूरी डिटेल चेक कर लेंगे। चेक एंड वेरीफाई ऑल द इन्फॉर्मेशन बिफोर सबमिटिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। आपको सारा अपना डिटेल इसमें अकॉर्डिंगली चेक करना है ताकि आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट ना हो एंड वापस ना आए। देन यहाँ आपका अकेडमिक डिटेल्स, आपके प्रेफरेंसेस, आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब चेक कर सकते हैं। देन सब ओके होने के बाद आप इसमें अग्री एंड सबमिट कर सकते हैं। तो सबमिशन डिटेल्स के बाद आपको एक सबमिट द फॉर्म का आएगा, जहाँ आप सबमिट करने के बाद यह आपके सबमिट होने का आपको नोटिफिकेशन दिया जाएगा। एक बार आपने एप्लीकेशन सबमिट कर दिया वापस अपडेट नहीं कर सकते। सो यहाँ आपको एक SMS एंड ईमेल आएगा कि इस एप्लीकेशन में आपने आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट कर दिया है। यहाँ आपको नेक्स्ट आएगा ऑनलाइन पेमेंट। यहाँ आपको ऑनलाइन पेमेंट बटन क्लिक करना है। इसमें से कोई भी पेमेंट आपको चूज करनी है। देन यहाँ आपको मेंशन होगा आपका कितना आपको पे करना है। यहाँ आपका डिटेल लेने के बाद आप पेमेंट यहाँ से कर देंगे। देन यह आपने अकॉर्डिंगली पे किया, आपको OTP दिया, आपने सबमिट किया। सो आपको एक एप्लीकेशन फीस ऑनलाइन पेमेंट की रिसिप्ट आ जाएगी कि आपने इतना इतना ऑनलाइन मोड में आपने इतने इतने एप्लीकेशन नंबर के साथ आपने इतना पेमेंट किया है। सो पेमेंट स्टेटस आपका यहाँ सक्सेसफुल हो जाएगा, पेमेंट सक्सेसफुल मेंशन आएगा। सो आपको इसका प्रिंट लेके रखना है या ऑनलाइन पेमेंट रिसिप्ट की आपको आपके पास प्रिंट रखनी है। यह आपकी ऑनलाइन पेमेंट रिसिप्ट है। देन एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट, यह आपको जाके आपके एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट करवा के लेना है। देन यह आपको लॉग आउट करना है। इस तरीके से अगर आपने एप्लीकेशन राइट फिल किया एंड आप एलिजिबल है, सो मोस्ट चांस है कि आपको यूनिवर्सिटी मिल जाए। तो अगर आपको इस वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसे ही वेटनरी साइंस रिलेटेड और भी वीडियोस इस चैनल पर लाती रहूंगी। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप जाके चैनल पे पुराने वीडियोस देख सकते हैं। आई विश यू ऑल द बेस्ट, आपको आपके पसंद के कॉलेजेस में एडमिशन मिल जाए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।